कि ऐसी सरकार को अब आप जड़ से उखाड़ फेंक हमारे अभय सिंह चौटाला जी को सत्ता में बिठाकर अपना भविष्य सुरक्षित कर। ये लोग अपना वादा पूरा करते जो 2014 में किया था कि 2 करोड़ सालाना नौकरी देने का, तो इन्हें शायद ये मुफ्त में राशन देना नहीं पड़ता। साथियों, पिछले 10 साल में यहाँ हरियाणा में बीजेपी की सरकार चल रही है और अब जब चुनाव सर पर है तो बीजेपी के लोग आप लोगों के बीच में आकर आपसे आपका वोट मांगने का काम करने वाले हैं। परंतु साथियों, इस बारी आप सब लोगों को वोट डालने से पहले इनसे कुछ जरूरी मुद्दों पर सवाल करने होंगे। साथियों, मैं आप लोगों से जाति और धर्म के आधार पर सवाल करने को नहीं कहूंगा। मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप इनसे सवाल करें शिक्षा पे, रोजगार पे और यहाँ की आसमान छूती हुई महंगाई पे। तो साथियों, आप लोगों को शिक्षा के आधार पे क्या सवाल पूछने हैं? साथियों, पिछले 10 सालों में भाजपा की सरकार के चलते हुए यहाँ सरकार ने 5000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूलों को बंद कर दिया है। एक तरफ पढ़ने वाले बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है दिन पे दिन, और दूसरी तरफ ये सरकार प्राइमरी स्कूल्स बंद करती आ रही है। इतना ही नहीं साथियों, यहाँ आज 2200 सरकारी सीनियर स्कूलों में आज 2200 सरकारी सीनियर स्कूल्स में 1000 से ज्यादा स्कूलों में प्रिंसिपल्स तक नहीं है। साथियों, जब आपके बच्चों के स्कूलों में स्कूल बंद कर दिए जाएंगे और जब बचे हुए स्कूलों में पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं होंगे, तो आप ही बताइए कि क्या ये हमारे बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं तो क्या है? साथियों, बीजेपी के शासन के दौरान शिक्षा के नाम पर सिर्फ आए दिन पेपर लीक की खबरें सुनने को मिलती रही हैं। साथियों, ऐसा कोई सरकारी डिपार्टमेंट नहीं बचा जिसकी भर्ती की परीक्षा के पेपर लीक ना हुए। साथियों, हकीकत तो ये है कि बीजेपी की हो या कांग्रेस की, ये दोनों ही पार्टियां हमारे बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने में एक दूसरे से एक कदम आगे ही चलती आई हैं। एक ने सरकार में रहकर हमारे बच्चों के स्कूल बंद किए, तो दूसरी ने विपक्ष में बैठकर इन पर एक बार भी इस मुद्दे पर उनको घेरने का काम नहीं किया। तो अब आप ही बताइए साथियों कि इनमें से कोई भी पार्टी को हक है क्या सत्ता में बैठने का? आप ही बताइए, क्या ऐसा हक है इन लोगों को आपके साथ सत्ता में बैठने का? तो साथियों, अब आने वाले विधानसभा आम चुनाव में आप लोगों को हाथी और आईने वाले चुनाव चिन्ह के सामने वाला बटन दबाकर यहाँ श्री अभय सिंह चौटाला जी को मुख्यमंत्री बनाकर अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने का काम करना है। साथियों, एक तरफ बीजेपी और कांग्रेस की सरकार आपके बच्चों के स्कूल बंद कर रही है, तो दूसरी तरफ हमारी जिस नीतियों पे ये सरकार चलती आई है, तो दूसरी तरफ आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की एक दूसरी तरीके की नीति है, जिसके तहत चलकर यूपी में बीएसपी की सरकार ने सावित्रीबाई फूले बालिका आशीर्वाद योजना चलाई थी, जिसके तहत 7 लाख से ज्यादा बच्चियों को 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने हेतु बहन जी ने 600 करोड़ रुपए की धनराशि इन बच्चों पे खर्ची थी। इतना ही नहीं साथियों, आदरणीय बहन जी के शासनकाल में यूपी में 6 इंजीनियरिंग कॉलेजेस, 2 होम्योपैथिक कॉलेजेस, 24 पॉलिटेक्निक कॉलेजेस, 2 पैरामेडिकल और 6 यूनिवर्सिटीज के साथ साथ 200 से अधिक इंटर और डिग्री कॉलेजेस, 100 से अधिक ITIs, 550 से ज्यादा हाई स्कूल्स और 5500 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल्स बनाने का काम किया गया। इसी तरह यहाँ पे हरियाणा में आपके बच्चों के लिए आदरणीय श्री अभय सिंह चौटाला जी भी इतने ही ज्यादा संख्या में आपके लिए स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज बनवाएंगे। साथियों, ये लिस्ट इतनी लंबी है कि कभी कभी सोचकर हैरत होती है कि सिर्फ 5 साल में कोई इतना काम कैसे कर सकता है। लेकिन साथियों, अगर अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए काम करने का जज्बा हो, तो कोई भी काम असंभव नहीं, हर काम संभव होता है। जैसा कि हमें पूरा विश्वास है, हम पूरे तरीके से भरोसा रखते हैं कि यहाँ पर जब आप अभय जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो वो भी उसी
दिल और तमन्ना से आप लोगों के लिए काम करेंगे। साथियों, अगर हम 10 साल का रिकॉर्ड उठाएं भाजपा का, तो यहां पर रोजगार के नाम पर आज भी 40% युवा बेरोजगार घूम रहा है। इतना काम किया है बीजेपी ने कि यहां पे 40% युवा बेरोजगार घूम रहा है। और ऐसा नहीं कि ये लोग रोजगार नहीं दे सकते हमारे युवा बच्चों को। आज अगर आप सरकारी रिकॉर्ड उठाएं तो आज भी 2 लाख से ज्यादा सरकारी पद खाली पड़े हैं। 2 लाख से ज्यादा सरकारी पद खाली पड़े हैं। एक तरफ 40% युवा रोजगार मांग रहा है और ये लोग वो 2 लाख पद भरने को तैयार नहीं, परंतु वो पद भरने की बजाय ये लोग क्या करते हैं, कौशल विकास निगम जैसी योजनाएं चला रहे हैं। पक्की नौकरियों देने की बजाय ये कॉन्ट्रैक्चुअल यानी अस्थायी नौकरियां भरने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके तहत जो पक्की नौकरियों में आरक्षण मिलने की व्यवस्था तय की गई है वो आप लोगों को ना मिल सके, उस पद पे ये लोग चल रहे हैं, उस रास्ते ये लोग चल रहे हैं ताकि आपको आपके आरक्षण से दूर कर सके। साथियों, एक तरफ भाजपा की सरकार ऐसे काम कर रही है और दूसरी तरफ हमारे लोगों को गरीब बनाकर, कमजोर बनाकर हमारे लोगों को अंदर से खोखला कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस और भाजपा, कांग्रेस की सरकार भाजपा को इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर ना घेरकर उनका एक तरीके से साथ दे रही है। साथियों, तो ये दोनों पार्टियां एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ डंडा मारता है तो दूसरी तरफ ताली बजाता है और पिसता है हमारा किसान, हमारा दलित, हमारा पिछड़ा वर्ग। साथियों, ऐसा समय आ गया है कि ऐसी सरकार को अब आप जड़ से उखाड़ फेंक हमारे अभय सिंह चौटाला जी को सत्ता में बिठाकर अपना भविष्य सुरक्षित करने का। साथियों, दूसरी तरफ, एक तरफ तो ये लोग हैं और दूसरी तरफ आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने 5 साल में 90,000 से ज्यादा शिक्षकों को रोजगार देने का काम किया था, 1 लाख से अधिक सफाई कर्मचारियों को रोजगार देने का काम किया, 2 लाख से अधिक पुलिस फोर्स में भर्ती की, और यही नहीं 30 लाख से अधिक अपरकास्ट समाज के कमजोर वर्गों के लोगों को सरकारी नौकरियों देने का काम किया। साथियों, यही नहीं बल्कि बहन जी के शासनकाल के दौरान बसपा की सरकार ने कृषि एवं संबंधित कार्यों में मिनिमम वेज को 55 रूपये से बढ़ाकर 100 रूपये प्रतिदिन किया था और हमारे पिछड़े वर्ग की क्रीमी लेयर की वार्षिक आय को 3 लाख रूपये से बढ़ाकर 5 लाख रूपये करने का काम किया। और यही नहीं बल्कि हमारे गन्ना खरीदी के दाम भी रातों रात दुगने कर दिए गए थे। साथियों, बहन जी के मॉडल ऑफ गवर्नेंस के तहत चलकर ही बसपा की सरकार ने प्रदेश के सभी समाज के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा कर एक स्वाभिमान से जीने का अधिकार दिलाया था। जिस तरीके से यहां पर अभय सिंह चौटाला जी मुख्यमंत्री बनकर आप सभी वर्गों के लोगों का पूरा पूरा ध्यान रखकर आपको स्वाभिमान से जीने का अधिकार दिलाएंगे। साथियों, बात महंगाई की करें तो इनकी सिर्फ एक ही स्कीम आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। भाजपा की सरकार के चलते हुए आज ये लोग बोलते हैं कि हमने मुफ्त में राशन देने का काम किया है। तो साथियों, आज वो कहते हैं कि वो 80 करोड़ से ज्यादा जनता को मुफ्त में राशन देने का काम करेंगे। केंद्र और हरियाणा की भाजपा सरकार बड़े चौड़ कर बोलती है, अरे मित्रों, आज बीजेपी की सरकार 80 करोड़ से ज्यादा देशवासियों को मुफ्त में राशन देने का काम कर रही है। परंतु ये नहीं समझ आता इन लोगों को कि अगर 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को आप मुफ्त में राशन देने का काम कर रहे हो तो मतलब आपने उन 80 करोड़ की जनता को गरीबी में धकेलने का काम किया है। परंतु साथियों, अगर ये लोग अपना वादा पूरा करते जो 2014 में किया था कि 2 करोड़ सालाना नौकरी देने का, तो इन्हें शायद ये मुफ्त में राशन देना नहीं पड़ता। ये तो बात दूर, मुफ्त में राशन देकर ये जो टैक्स पेयर्स का साल का 2 लाख करोड़ रुपया इस राशन पे खर्चने वाले हैं, वो भी आप लोगों की जेब से निकलने वाला है। साथियों, वो भी आपकी जेब से निकलने वाला है। एक तरफ ये लोग आपको टैक्स के माध्यम से चूसते हैं, दूसरी तरफ वो टैक्स का पैसा राशन पे उड़ाते हैं। अगर ये पैसा रोजगार जनरेट करने में करते तो साथियों, आज यहां पर 2 लाख पद भरने के साथ साथ ये यहाँ पर 20 लाख रोजगार भी दे सकते थे, परंतु इन्होंने वो काम कुछ नहीं किए। इन्होंने बस आप लोगों का ध्यान भटकाने के लिए मुफ्त में राशन देने का काम किया है। साथियों, इन्हीं कुछ जरूरी बातों के साथ
मैं आप सभी से इन्हीं कुछ जरूरी बातों के साथ आप सभी लोगों से मेरी व खासकर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की ये विशेष अपील है कि इस विधानसभा आम चुनाव में आप सभी लोग हर मोर्चे पर सावधान रहें। आपका वोट बहुत कीमती है। आपका कोई वोट खरीद ना पाए, आपका वोट कोई लूट ना पाए, आपका वोट पड़ने से रह ना जाए। साथियों, जाति बिरादरी, धन बल, मंदिर मस्जिद या किसी भी भावना आदि के नाम पर कोई स्वार्थी अपने जाल में फंसाकर आपके वोट का दुरुपयोग ना कर ले, क्योंकि देश के हर महिला पुरुष व युवा को वोट का अधिकार यहाँ परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अति महत्वपूर्ण देन है। साथियों, मैं आप सभी लोगों से ये खास अपील करता हूँ कि अपने यहाँ जिन जिन क्षेत्रों में बीएसपी और एनएलओ के विधानसभा उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, तो उन्हें आप लोग वोटिंग मशीन पर बसपा का हाथी चुनाव चिन्ह और एनएलओ का चश्मा चुनाव चिन्ह के सामने वाला बटन दबाकर यहाँ पर भारी मतों से जिताकर और अभय सिंह चौटाला जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। और साथ में अब अंत में मैं अपनी बात खत्म करने से पहले आप सभी लोगों का एक बार दोबारा से दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप सब आज यहां इतनी बड़ी संख्या में मौजूद हुए हमें सुनने के लिए। जय भीम, जय भारत।